अमृतपाल पर एक्शन लेने के बाद अब जो है यहाँ का विरोध, खालिस्तानियों का विरोध ब्रिटेन पहुँचा। ब्रिटेन में खालिस्तानियों ने काफ़ी उत्पात मचाया। उसके बाद अमेरिका में ये उत्पात पहुँच गया है। आपको खबर निकलकर सामने आ रही है, बता दें हम कि भारत से निकलकर अब खालिस्तान आंदोलन विदेशों में भी जमकर बवाल मचा रहा है। हाल ही में अमृतपाल की गिरफ्तारी की खबरें सामने आने के बाद यूके में यानी कि ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हमला किया गया। अब इसके बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी भारत के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अटैक खालिस्तान के समर्थकों ने पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्ती किए जाने के विरोध में किया है। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उसके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से बताया जा रहा है कि 5 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाया गया है। अमेरिका में भारत के वाणिज्य दूतावास पर अटैक से भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका में इन लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की डिमांड की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में हमले के बाद भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के संगठन फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने इस हमले की जमकर आलोचना की है। संगठन की ओर से कहा गया, हम लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने में नाकाम व्यवस्था से दुखी हैं। दोनों ही जगहों पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल रही है। आखिर कैसे कुछ कट्टरपंथी लोगों ने भारत के राजनयिक मिशनों पर हमला बोल दिया। बताया ये भी जा रहा है कि इस हमले में खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी करते हुए घुसे और कॉन्सुलेट के बाहर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ने का काम किया। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में उतरे इन लोगों ने यहाँ 2 खालिस्तानी झंडे भी टांग दिए। हालांकि बाद में कॉन्सुलेट में तैनात कर्मचारियों ने इन्हें तुरंत ही हटाने की कार्रवाई की। उसके बाद कुछ और लोग अंदर घुस आए और उन्होंने वाणिज्य दूतावास के दरवाजे और खिड़कियों पर लोहे की रॉड से हमला करना शुरू कर दिया। फिलहाल इस मामले में सैन फ्रांसिस्को पुलिस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता अंजय भुतोरिया ने इस हमले की जमकर आलोचना की है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।